बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारे पास एक ऐसा ईसीएम आया है रिपेयरिंग के लिए जो BS6 का ईसीएम है। तो कौन सा ईसीएम है, क्या आईसी यूज़ की गई है इसके अंदर, कैन के लिए क्या फंक्शन इस्तेमाल में लाया गया है, इंजेक्टर सेक्शन कैसा है, MD1 इस नाम से आता। और यहाँ पर MD से मतलब है कि जो MD1 जो ECM है तो ये डीजल वाली गाड़ियों में यूज़ होते हैं, डीजल वाली गाड़ियों में MD1 यूज़ होते हैं। MG1 यानी कि ये MG1 वाला ECM पेट्रोल की गाड़ी में यूज़ किया जाएगा। ये बॉश कंपनी की एक लेटेस्ट जनरेशन है जो इंडिया में आजकल VS6 गाड़ियों में यूज़ में आ रहा है। ये लगभग ये जैसे ये वाला मॉडल है ये 2020-21 का मॉडल है। इसको जो यूज़ में लाया गया है वो महिंद्रा गाड़ी में लाया गया है, महिंद्रा की बलोरो है, महिंद्रा की थार गाड़ी में यूज़ में लाया गया है। इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह का हार्डवेयर यूज़ में लाया गया है। आइए, आपका VS6 का ECM MD1 CS0178 सीरीज का CPU अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसा आप देखते थे 1767, 1767 या 1742, 1767, 1766, 1796, तो वो 17 सीरीज नहीं होगा। इसके अंदर जो ECM हो, जो CPU यूज़ में लाए गए हैं, बुलाए गए हैं SP58 फैमिली के, SP58 फैमिली के CPU यूज़ में लाए गए हैं। और इस तरह का जो CPU होते हैं वो जो बड़े लेवल की गाड़ियां होती हैं, जो बड़े जैसे ऑडी है, वॉल्सवैगन है, जो बड़े रेंज की गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों में अक्सर ये आज की डेट में SPC58 फैमिली के CPU का या MCU का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वैसे हम इसके हार्डवेयर पर ज़रा गौर से देखें तो ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ मुश्किल हो, हालांकि इसी में काम एक चैलेंज होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो हमने जैसे 17 सीरीज के ECM देखे उस पर वर्क किया तो उससे बहुत अलग हो। कर सकते हैं, जो आपने पहले मेहनत की है, जो भाई ECM करते आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इसका हार्डवेयर अलग नहीं है। आप गौर से थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करें तो ये वही इंजेक्टर आई सी जो पिछले मॉडल्स में हम देख चुके हैं, गालिबन 176 C63 में है IC वाली, SC9007। तो ये IC उसमें यूज़ में लाई गई है, इसमें भी है, उसके आपके पास डिटेल मौजूद है, तो इसमें भी आपको वही अप्लाई करना है, कौन सी इसकी पिन सप्लाई की है, कौन सी पिन इसकी किस काम की है। कर सकते हैं, इसका नाम ज़रूर चेंज हुआ है VS6, लेकिन तरीक़ेकार शॉर्टिंग को ढूंढना, ड्रेसिंग करना, सारे वही तरीके हैं आपके, तो ऐसा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस नया है तो इसमें आपको अपडेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वही सिस्टम, वही जीना डायोड, वही शॉर्टिंग यहाँ आना, वही फिल्टर होना, वही इंडक्टर कॉइल 48 वोल्ट के लिए अलग। इसमें थोड़ा सा इसके अंदर जो कैन कम्युनिकेशन के लिए जो है वो दो IC यूज़ में लाई गई हैं, TGA1451 इस तरह की जो IC लाई गई हैं, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जो कैन का थोड़ा सा सेक्शन बढ़ा दिया गया है, पहले किसी एक IC में दे दिया जाता था, यहाँ पर थोड़ा सा इसका दायरा कैन कम्युनिकेशन का बढ़ा दिया गया है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, पहले दो कॉइल होती थी अब तीन कॉइल हो गई हैं, और पहले 8 पिन की IC हुआ करती थी अब थोड़ी सी ज़्यादा पिन की IC हो गई है।
और वाकई सब वही है, वही सप्लाइयाँ, वही सीरीज़। अगर हम इंजेक्टर सेक्शन की तरफ आएँ तो वही आपके SC620 डायोड आ गए, आपके इंजेक्टर मॉस्फेट आ गए, वही 48 वोल्ट इधर, और एक सेट से इंजेक्टर के ड्रेन्स है, और ऑलमोस्ट 90% वही है। थोड़ा सा बाकी हम पीछे देखें तो इसमें IC यूज़ में लाई गई हैं आपकी, 40301, 40301। और दूसरी IC है 48128। ये IC इस्तेमाल, ये लगभग हमारा पिछले ECM में जो हमने काम किया है, आपने काम किया है, तो 80-90% ये काफ़ी मिलता जुलता है। ऐसा नहीं कि जो जनरेशन चेंज हो गई है और जिन ब्रदर ने, जिन भाई ने काम किया था तो वो पता नहीं क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करिए, इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी आपको। और हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है कि ये MD1 और MG1, ये 15 साल तक मार्केट में इनका बहुत अच्छा दबदबा रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो ऐसे ही सीएम पर हमें सीरियस लेना होगा, जिनका फ्यूचर लंबा है उन्हें सीरियस लेना होगा, चाहे वो एज ए सॉफ्टवेयर के रेंज से लें, आज एज ए हार्डवेयर के तरीके से लें, हम सॉफ्टवेयर के तरीके से लें, लेकिन हमें लेना इन्हें सीरियस होगा। इनके बगैर अगर ECM वाले फील्ड में रहना है तो इनसे हम बच नहीं सकते, इनको हमें सीरियस लेना ही होगा। और जो हमारे क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन लाइव के क्लासेस होते हैं, तो अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना, हमें तभी अच्छा लगता है कि वो हमसे जुड़ें और कुछ सीख के जाएँ, बहुत कुछ सीख के जाएँ हमसे, हमें भी इस बात की खुशी होती है। तो गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसे ही बंदे कॉल करें एडमिशन के लिए जो अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं इस लाइन में, ठीक है? और बहुत रीज़नेबल और बहुत कम फीस पर हम पढ़ाते हैं, तो जो भाई चाहते हैं एडमिशन लेना वो हमसे इसी नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने वीडियो देखा, इसके लिए बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जल्द मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह ताला, गुड बाय।